क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट की नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी फोर सीजन थ्री डायमेंशन ही चल रहा था। इससे पहले हमारी फोर सीजन थ्री डायमेंशन की आई थिंक टू वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको ही जाके देखना, क्योंकि जो आज हम थ्योरम करेंगे वो तो बिल्कुल लास्ट में ही है। तो इससे पहले हमने पॉइंट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम कर ली थी और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज है, उसको हम एक फोर्स और एक कपल में कैसे रिजोल्व करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों की दोनों, पिछले वाली और आज करेंगे वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। तो पहले आपको वो आना चाहिए तब आप इस वाली थ्योरम को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको ही देख लेना, फिर ये इस वाली वीडियो पे आना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कि सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आएंगे फाइंड द सेंट्रल एक्सिस, तो वो हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमने पहले वाली जो थ्योरम्स थी पॉइंट सेंट्रल एक्सिस में यही पढ़ा था कि एक फोर्स को और एक कपल को हम क्या कर सकते हैं, एक ही एक्सिस में लेके आ सकते हैं। लेकिन हमने ये तो नहीं देखा था कि उस एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी। तो इस वाली वीडियो में हम यही करेंगे और उसके बेस पे एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो हमारा आर्टिकल, जैसे कि हमने कल किया था, हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हम एक सिंगल फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज जो कपल की मूवमेंट है उसको हम जीरो कैसे निकाल सकते थे, वो हमने कर लिया था। अब उसके बाद एक चीज और है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का नाम है कि जो एल एक्स एम वाई एन जेड, एक तो ये क्वांटिटी है और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दीज आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे दिया तो ये वैल्यू कभी वैरी नहीं करेंगी, कॉन्स्टेंट होंगी। क्या क्या, एक तो एल एक्स एम वाई एन जेड, कपड़े धोए जा रहे हैं पड़ोस में, प्लीज थोड़ा सा वो कर लेना। देखो एक तो ये वाली क्वांटिटी है और एक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ देखो, तो ये जो दोनों क्वांटिटी है ना ये हमारी इनवेरिएंट है, ये देखना। अब हमने, क्योंकि हमारे जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस था हमने पढ़ा था, एक मिनट, जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हमने एक फोर्स में, ये फोर्स है और ये कपल है, इसमें रिजोल्व करवा दिया था। अगर एक ही एक्सिस पे चाहिए तो भी देख लो, ऐसे था आर एंड दिस इज कपल जी कोस थीटा, ऐसे रिजोल्व करवाया था ना हमने। मतलब कि देखो, इन शॉर्ट हमारे पास तीन चीज तो हमेशा होंगी, आर होगा, जी होगा और थीटा होगा, ये तीन चीज हमारे पास है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, वो वेरी कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी था जब हम थ्योरम्स कर रहे थे, तो आर की वैल्यू क्या आ रही थी, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब भी हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो मैंने कहा है जो आर होगा, जी होगा और जो थीटा है, ये तीनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो आएंगी ये थोड़ी ना वेरी करेंगी, ये फिक्स वैल्यू है। तो ये याद रखना, जिसमें सिर्फ ये दिख रहे हैं आपको तो वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट, आंख बंद करके कह देना, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, जो ये वाली क्वांटिटी है इसमें सिर्फ आर है, दैट इज कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला तो वैसे ही प्रूव हो गया। अब देखो उसको एल एक्स एम वाई एन जेड, जो हमारी कल वाली वीडियो थी इससे पिछले वाली, उसमें हमने क्या कहा था, जो एल एक्स है एम वाई प्लस एन जेड, इसकी वैल्यू क्या आई थी, आर जी कोस थीटा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार पिछले वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हमने इसको डिराइव किया था। तो ये वाली वैल्यू आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि जो आर है, जी है और थीटा है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वेरी नहीं करेंगी। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट एंड कोस थीटा आल्सो कांस्टेंट, दैट इज ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब ये भी वेरी नहीं करेगा। सिर्फ इस थ्योरम में ये करना था हमने कि हमें ना पहले ये ड्राइव करके दिखाना है जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ लिया था, हमें ये दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, ये कांस्टेंट तो ये भी इनवेरिएंट, और इसी तरह ये तो डेफिनेशन से ही हो जाएगा, है ना। तो अब हमारी मेन थ्योरम पे आते हैं कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो
सीधा ही ऐसे आएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, या फिर सीधा भी कह सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो सबसे पहले ना हमने क्या करना है, लेट एक्स वन वाई वन जेड वन बी ए पॉइंट, कोई भी हमारे पास सेंट्रल एक्सिस तो आएगी। अब जैसे ये बनाया था अभी, ये आर है एंड दिस इज जी कोस थीटा। अब ये जो एक्सिस है ये हमारी क्या है, दिस इज सेंट्रल एक्सिस। तो इसने कहा इसके ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट माने तो वो थ्री डी में ही होगा। तो इसको ऐसे मान सकते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो हमने यही माना एक्स वन वाई वन जेड वन इज द पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इसका मतलब यही है कि x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू x1 कोऑर्डिनेट, y के विद रिस्पेक्ट टू y1 और z के विद रिस्पेक्ट टू z1 कोऑर्डिनेट हमारा आ गया है। अब उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इनकी हेल्प से ये जो पॉइंट है इसको हमने ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। अभी तो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, सपोज करो 3D में है, ये ऐसे बनाए, ये x y ये o और ये z, ठीक है। सपोज करना मैंने ऐसे बना रखा है ये r एंड दिस इज जी कोस थीटा, है ना। अब ये कोई भी फिक्स पॉइंट है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन। अब ये क्या करवाना चाहता है कि इसको ना ओरिजिन पे शिफ्ट करवाना चाहता है। अभी तो ये ओरिजिन पे नहीं है, अगर मैं इस वाले को पूरे को उठा के यहाँ पर रख दूँ तो फिर ये जो पॉइंट है ये जीरो 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 बन जाएगा, फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें ऐसे आर एंड दिस इज जी कोस थीटा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना यही हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएगा और यही ओरिजन है। तो ये पहले हमें यही काम करना है, इस वाले वेक्टर को या फिर जो एक्सिस है इसको बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की साइड या फिर जहाँ पे भी है, मेरे को नहीं पता कि ये तीनों पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे है, ये तो सिर्फ जर्नल है, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फिर इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे करवा रहा है वो। तो हमें क्या करना है, उस जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करवाना है। दैट इज अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो हम अब इस टैक्सिन को शिफ्ट कर देंगे वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, मतलब कि आपको जहां पे भी x दिखेगा ना x के प्लेस पे क्या करना है x माइनस एक्स वन पुट कर दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है अभी देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये तीनों पॉजिटिव है, पॉइंट हमने मान लिया टू थ्री फोर, है ना, हमारे पास कोई भी एक्सिस होगी उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे रख दू x माइनस टू वाई माइनस थ्री एंड z माइनस फोर, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की इमेज देखना चाहूं तो हम x y z के प्लेस पे भी यही रखेंगे तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा। इसके कहने का मतलब यही होता है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन, ऐसे ही कहते हैं हम, जब भी ओरिजिन को शिफ्ट करना हो तो x में से उसी कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं ऑलवेज, तो हमारे पास सेंटर ना ओरिजिन आ जाएगा। अभी सेंटर ये बन रहा होगा फिर सेंटर ओरिजिन पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन, क्लियर। या तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे उठा के ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, ऐसे हो जाता है, क्लियर है। अब देखो कैसे करना है, ये चीज तो समझ आ गई होगी, जहां जहां पे x है x को इससे रिप्लेस करो, y को इससे एंड z को इससे, x y z को ऐसे रिप्लेस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिप्लेस किसके अंदर करें, l m n, ये ध्यान रखना है जो हमारी l की वैल्यू m की वैल्यू और n की वैल्यू ये हमने पहले निकाली है फर्स्ट लेक्चर में हमारी निकल चुकी है, वही याद रखनी है आपको एज इट इज, ठीक है। जैसे कि हमने समीशन के फॉर्म में निकाली थी ना वही याद रखनी है, तो मैं लिख देती हूँ समीशन y z1 माइनस स्मॉल z है ये एंड कैपिटल y1, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे भी ऐसे ही है समीशन z x1, ये स्मॉल z है माइनस एक्स कैपिटल जेड वन, और यहाँ पे समीशन एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन, बस ये याद रख लो आप क्योंकि ये तो काफी जगह यूज भी हो रही है। तो अब अपने क्या करना है, जहां जहां पे वाई दिख रहा है ना वाई के प्लेस पे वाई माइनस वाई वन पुट करना है और स्मॉल जेड के प्लेस पे जेड माइनस जेड वन पुट करना है, ये पुट करना आपने। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस वाई वन साथ में कैपिटल जेड वन, फिर माइनस z माइनस जेड वन वाई वन। अब इनको ओपन करो, समीशन तो है ही,
तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन वाई जेड वन माइनस स्मॉल जेड वाई वन, और ये माइनस का ये वाली क्वांटिटी अलग वाई वन जेड वन, और माइनस माइनस प्लस स्मॉल जेड वन वाई। अब ये वाली क्वांटिटी देखो, ये पहले तो एल था ना, अब जो हमारा नया वाला आंसर आया वो एल डैश आया क्योंकि कुछ तो वेरी करा ही है हमने, इसको शिफ्ट तो किया है ना, तो ये एल है और इसको हमने एल डैश मान लिया। अब ये वाली वैल्यू तो एल की आ गई, वाई जेड वन माइनस जेड वाई वन, समीशन चल रहा है साथ में, पूरे के साथ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एल, ठीक है, और माइनस वाई वन जेड वन माइनस जेड वन वाई कैपिटल वाई, ऐसे आया। इसी तरह हम ये एल डैश की वैल्यू आई है, और इसी तरह हम एम निकालेंगे, एन निकालेंगे, एम डैश एन डैश, तो एम डैश और एन डैश ये भी बिल्कुल सेम ही आएंगे, यहाँ पे एम आएगा और इधर एन आएगा, यहाँ पे वाई जेड है तो यहाँ पे एम के बाद क्या आएगा देखना ध्यान से, पहले वाले में एक्स गुम कर दिया, अगले वाले में वाई को कर देंगे, तो माइनस ये प्लस का है ना, हाँ। अब क्या लिखेंगे, जेड, पहले जेड की बारी है, ठीक है, पाई के बाद जेड आता है, फिर जेड के बाद एक्स आता है, ऐसा नहीं है पहले एक्स लिख दोगे फिर जेड, साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, तो जेड और इसके साथ आएगा एक्स वन प्लस, और यहाँ पे आएगा एक्स वन स्मॉल वाला कैपिटल जेड, अभी बता दूंगी याद कैसे करने हैं, फिर माइनस, अब इसमें हमने जेड को गुम कर देना है, जेड नहीं आना चाहिए इसमें, वाई नहीं आ रहा ना, इसमें एक्स नहीं आ रहा कहीं पे पीछे वालों में, यहाँ पे हम क्या करेंगे जेड नहीं आना चाहिए, तो जेड के बाद क्या आता है एक्स और वाई, तो लाइन में ही लिखना इसको, पहले लिखना स्मॉल एक्स वन, फिर यहाँ पे आएगा वाई वन, फिर प्लस यहाँ पे वाई वन और कैपिटल एक्स वन, ऐसे ये ध्यान रखना बस। तो ये हमने कैसे लिखे, यहाँ पे एक्स था मतलब एक्स को गुम किया, एक्स के बाद वाई जेड, ठीक है, और फिर उनके उल्टे वाले मल्टीप्लाई करने हैं, दैट इज यहाँ पे वाई है तो इधर जेड से मल्टीप्लाई, जेड है तो इधर वाई से मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वाई को हमने हटा देना है, तो वाई के बाद क्या आता है जेड, और जेड के बाद क्या आता है एक्स, तो मैंने पहले जेड लिखा फिर एक्स लिखा, और जो जेड और एक्स है इनके अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर दिए, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पहले वाला माइनस का अगले वाला प्लस का, उसमें फर्क पड़ता है फिर। तो हमारे एल एम एन आ गए, एल डैश एम डैश एन डैश, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस का मतलब ही क्या होता है कि जो कपल की एक्सिस है और जो फोर्स की एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए, दैट इज उनके जो डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है, वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एल डैश बाई एक्स, एम डैश बाई वाई और एन डैश बाई जेड, क्योंकि ये तो हमारे कपल के हैं और ये हमारे फोर्स के हैं, और क्योंकि हम सेंट्रल एक्सिस पढ़ रहे हैं इसलिए ये प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज जनरल नहीं होते। तो हमने एल की एम की और एन की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू पुट करो, एल माइनस वाई वन जेड वन प्लस जेड वन वाई वन बाई एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड वन एक्स वन माइनस प्लस एक्स वन जेड वन बाई वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन एक्स वन बाय यहाँ पे आएगा जेड। ये वैसे आ गई है लेकिन इज इक्वल टू मेरा पिच भी आती है, तो पिच कैसे निकालेंगे वो और देख लेते हैं एक बार। पिच का फॉर्मूला एक तो ये होता है, ये तो इरेज़ ही कर देते हैं, हो गया इसका काम। चलो देखो, पिच का फॉर्मूला ये होता है कपल बाय में रिजल्टेंट, कपल की मोमेंट कितनी होती है के कोस थीटा, और इसकी होती है आर, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे वैसे कई बार के भी लिख देता वो और कई बार के कोस थीटा भी लिख देता वो, ध्यान रखना बस। तो आर की वैल्यू तो ये होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसकी क्या होती है एल एक्स एम वाई एन जेड, यही होता है, हमने देखा भी था है ना, क्योंकि यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे भी r से मल्टीप्लाई कर लो, तो अभी निकाला था r के cos theta की वैल्यू lx plus my plus nz ही होती है, और r square की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा मेन काम क्या है, तो नीचे x square y square z square बनाना है,
ऊपर आना चाहिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो हम एक काम करते हैं, इसकी x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, इधर y से कर दो और इधर z से। अब एक काम करना है, इनको ऐड कर लो, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। नीचे वाला तो आ गया, नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आना चाहिए। तो हम सिर्फ ऊपर वाला देख लेते हैं, इसकी x से करो एल एक्स माइनस वाई वन और कैपिटल एक्स जेड वन। यहाँ पे ना एक मिनट, आई थिंक हमने यहाँ पे ये लिख दिया, हाँ, क्योंकि ये समीशन था ना इनके साथ, और समीशन ऑफ जेड वन जेड होता है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमेशा समीशन ऑफ एक्स आर, इसको हम एक्स मानते थे, समीशन ऑफ वाई आर को हम वाई मानते थे, और समीशन ऑफ जेड आर को हम जेड मानते थे। ये हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स वन वाई वन भी ले लिया हमने, इनके साथ भी तो समीशन था, सिर्फ इसी इसके साथ ले लिया अपने, वो गलत हो गया। तो हम यहाँ पे इनका जब हम समीशन लगाएंगे, तो जो ये कैपिटल वाले हैं इनके साथ से वाई को वन को हटा दो, क्योंकि जो इनका समीशन लगता है फिर इसके नीचे से सफिक्स खत्म हो जाता है, हम यही अज्यूम करते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे इनका हटा सकते हैं, क्लियर है सभी को? कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या फिर ग्रुप में पूछ लेना टेलीग्राम में। चलो देखो अब ठीक है, क्योंकि अब कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, अब आ जाएगा। फिर इसके करो इसके साथ प्लस जेड वन कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, इसी तरह यहाँ पे प्लस, अब एम की वाई के साथ करनी है, एम वाई माइनस जेड वन एक्स वाई एंड प्लस एक्स वन जेड वाई। फिर इसी तरह प्लस एन जेड माइनस एक्स वन वाई जेड एंड प्लस वाई वन एक्स जेड। नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ चुका है। तो ऐसे लिख लो, बस ऊपर देख लो कैंसिल हो रहे हैं सारे, बस इन तीन टर्म्स को छोड़ के, वाई वन एक्स जेड है ये रहा, वाई वन एक्स जेड माइनस प्लस एक्स वन वाई जेड ये रहा, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो बस यही तीन बचने चाहिए थे, आंसर आ गया एल एक्स एम वाई एन जेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू आर के कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट इज के कोस थीटा बाय आर इज इक्वल टू पिच, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू आप पी लिख सकते हैं, ये हमारी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन है। ये काफी यूज होगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही आएगा कि फाइंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है? तो क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इक्वल फोर्सेस, दैट इज दो, वो तो आगे देखेंगे, दो फोर्स है लेकिन बिल्कुल इक्वल दे रखे हैं, दैट इज उनका मैग्नीट्यूड सेम है। इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग द टू परपेंडिकुलर डायगनल्स, ठीक है? दो परपेंडिकुलर डायगनल्स पे दो इक्वल फोर्सेस लेने हैं हमने। ऑफ अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेस किसके? क्यूब के। ऑफ साइड ए, तो पहले क्यूब बनाओ, ये हमने क्यूब बनाया, इसने कहा है कि इसके कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो। अब दो अपोजिट फेस का मतलब ये और ये ले सकते हैं, सामने वाला और पीछे वाला ले सकते हैं, ऊपर और नीचे वाला ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी ले सकते हैं। अब इसको हम एज एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, इसको वाई एंड इसको जेड, ऐसे ही लेते हैं ना, ये हमारा ओरिजिन होता है जीरो जीरो जीरो। पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो सारे फटाफट से। अब क्योंकि उसने साइड दे रखी है ए, दैट इज ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए जीरो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, ये वाला जीरो ए जीरो एंड दिस इज जीरो जीरो ए। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है एक्स और जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में वाई जीरो होगा, ए जीरो ए। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो वाई और एक्स प्लेन में है, दैट इज ए ए जीरो, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है, जेड की वैल्यू जीरो है। इसी तरह ये वाला पॉइंट है, ये हमारा जेड और वाई प्लेन में है, दैट इज जीरो ए ए। ये वाला पॉइंट हमारा थ्री डी में होता है, तो थ्री डी में इस पॉइंट की वैल्यू होती है ए ए और ए। ये हमारे सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब उसने ये कहा है कि कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो और परपेंडिकुलर डायगनल लेने हैं,
अब हम एक काम करेंगे, ओरिजिन कंसीडर करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम सबसे पहले तो ना ओरिजिन से एक डायगोनल निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक डायगोनल ये ले लिया। अब इसके ऑपोजिट वाला फेस ऊपर वाला है ना। और हमने ना देखो इस डायरेक्शन में नहीं लेना, अगर हम मैंने यहां से यहां तक ले लिया तो इसकी भी डायरेक्शन यही और इसकी भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, तो वो तो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल डायगोनल्स हो जाएंगे। हमने लेने हैं परपेंडिकुलर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देख लेना, तो हमें परपेंडिकुलर लेने के लिए ये वाला लेना पड़ेगा। क्लियर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे बनेगा। तो अगर ये वाला है तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने थोड़ा पैरेललोग्राम की फॉर्म में बनाया है, लेकिन है तो ये क्यूब, तो इस तरह से दिखेगा ना ऊपर वाला फेस, और जो दोनों डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमने अपोजिट वाला लिया है, सेम डायरेक्शन नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। चलो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो, इन दो फेस को ले लो, सामने और पीछे वाले फेस को ले सकते हैं आप, यहां से यहां ले लो और ये यहां से यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने ओरिजिन को इसलिए लिया है क्योंकि ओरिजिन से काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो मैंने ओरिजिन तो पक्का ले लिया, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, अब इनका ना जैसे इन्होंने नाम भी दे रखे हैं पॉइंट्स के, इनके अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं। ये ओ पॉइंट है, इधर ए है, यहां पे एम, ये बी, एल, सी, एन और ये क्यू, बस निकल गए सारे। बुक में ना मिस्टेक है, यहां पे पी लिखा हुआ है और यहां पे पी डैश, लेकिन दोनों ही पी आएंगे क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के गिवन है, तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, पी डैश मत लिखना, बस और कुछ जरूरत नहीं हमें इसकी। तो उसने क्या कहा है प्रूव करने के लिए, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स आर, सिंगल फोर्स आर के इक्वल है, एक्टिंग अलोंग ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। जो इनकी लाइन आएगी ना वो किस में से पास होके जाएगी, सेंटर के, क्यूब के सेंटर में से, क्यूब का सेंटर ऐसे निकलेगा, क्योंकि सेंटर का मतलब ही क्या होता है कि बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। जब इसकी साइड ए दे रखी है तो हमें दिखाना है कि जो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आएगी ना वो इस पॉइंट में से पास होके जाएगी, ये दिखाना है। तो और उसने क्या कहा कि कपल की मूवमेंट हमारी कितनी आनी चाहिए, 1/2 AR, एक ये दिखाना है। चलो करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनकी डायरेक्शन को साइंस को निकालना। डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे, एक तो ये वाला फोर्स है L से N तक, एक ये वाला फोर्स है O से M तक। ठीक है, देखो एक तो है LN और एक है OM। अब OM वाला तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि जो इसके डायरेक्शन रेशोज हैं, फिलहाल हम डायरेक्शन रेशोज निकाल रहे हैं। डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलेंगे, a-0 a-0 और 0-0, दैट इज a और 0, ये आए हैं डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड से और डिवाइड करते हैं, दैट इज ये आएगा a बाय इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना। इसी तरह a और फिर बाय में यही वाली वैल्यू और फिर कोमा 0 और फिर बाय में फिर ये वाली वैल्यू, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी आएगी, √2a² दैट इज √2a, तो ऊपर वाले ए से नीचे वाला ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2 और ये तो 0/something है। तो ये जो है हमारा ओ से एन तक वाली डायरेक्शन में फोर्स है, इसके जो डायरेक्शन रेशो को साइन सारे आए हैं वही आए। इसी तरह से इसके निकालते हैं, एल से एन तक जाना है तो लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना, ये ध्यान रखना। तो ए में से 0 को माइनस करोगे ए आएगा, फिर 0 में से ए को माइनस करेंगे माइनस ए, और फिर ए में से ए को माइनस किया 0। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, यहाँ पे ए 0 था और यहाँ पे ए माइनस ए 0 है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि नीचे तो क्या आएगा √2a, यहाँ पर भी √2a और इधर भी √2a, है ना। तो यहां से हमारे पास सिर्फ ए के ऊपर रूट नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन्स आएंगे वो हमारे ये आएंगे। क्लियर है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं यहां से कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, एल एल वन एम एम वन और प्लस एन एन वन इज इक्वल टू 0।
अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करके देख सकते हैं जीरो आएगा। तो आप साथ साथ में वेरीफाई करते रहना कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। बुक में ये सब नहीं करके दिखा रखा, बस आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हमारी वैल्यू किसकी आई है, ये आई है हमारी, ये है कैपिटल एक्स वन, वाई वन, जेड वन, क्योंकि यही हमारे डायरेक्शन को साइंस होते थे। और ये आया है एक्स टू, वाई टू, जेड टू। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन रेशो सॉरी को साइंस है, फोर्स की वैल्यू नहीं आई। फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना है पी, वो हमने खुद ही माना है। आई थिंक क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि पी माना है, तो आप कितना भी मान सकते हैं, एफ मान लो दोनों का। तो जैसे कि हमने पी माना तो टोटल फोर्स के कॉम्पोनेंट तो ये आएंगे ना, क्योंकि हमने पी से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, मैग्नीट्यूड तो पी है, डायरेक्शन हमारी वो आई थी वन वाली, तो फोर्स इनटू डायरेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास टोटल एक्स वन, वाई वन, जेड वन, एक्स टू, वाई टू, जेड टू। अब जो हमारा एक्स आता है उसको हम कैसे लिखते थे, समीशन ऑफ एक्स आर, दैट इज जितने भी एक्स वाले आए हैं ना उनको ऐड कर लो। हमारे दो ही आए हैं, एक एक्स वन और एक एक्स टू है, इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे वाई मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे जेड मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करो, पी बाय रूट टू प्लस पी बाय रूट टू, तो हो जाएगा टू पी बाय रूट टू, दैट इज रूट टू पी। फिर वाई, अब इसमें इसको ऐड करो, ये तो दिख ही रहा है एक प्लस का एक माइनस का, दैट इज जीरो हो जाएगा। तो समीशन ऑफ वाई आर विल बी जीरो, और जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ कैपिटल जेड आर विल बी, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो ये जीरो आ गया। क्लियर है, यहां से आर तो हमारे डायरेक्ट निकल ही जाएगा। आर क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू आ जाएगी रूट टू पी, तो ये तो हमारा निकल गया, दैट इज फोर्स तो हमने निकाल ही दिया। अच्छा, अब कपल और निकालना है, कपल निकालने के लिए हमें सेंट्रल एक्सिस का यूज करना है, ठीक है, वहां से निकाल लेना। अब एक चीज और देखो, हमें ये भी दिखाना है कि जो ये इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो कहाँ से पास होके जा रही है, वन ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू। उसके लिए हमें एल एम एन की जरूरत है, अभी हमारा सिर्फ एक्स वाई जेड निकला है, एल एम एन और निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है, एल वन आई कैप, एल टू सॉरी एल वन एम वन जे कैप, और एम वन के कैप। ये हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये है हमारे कपल के कॉम्पोनेंट, कपल के कॉम्पोनेंट हमेशा ऐसे निकालते थे ए आर क्रॉस एफ आर, याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता था। तो यहाँ पे हम क्रॉस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई जे के। अब जो ए है वो क्या होता था, ऑलवेज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या आ गया, जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब देखो जैसे फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला ये फोर्स था ओ से एम तक, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो 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 से, दैट इज यहाँ पे लिखना है जीरो जीरो जीरो, ये ध्यान रखना। और एफ आर का मतलब एक्स आर, वाई आर, जेड आर। तो फर्स्ट वाले देखो एक्स वन, वाई वन, जेड वन क्या आए थे, एक्स वन आया था अपना रूट पी बाय रूट टू, पी बाय रूट टू, और ये आया था माइनस का पी बाय रूट टू, और ये आया था जीरो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, एक रो हमारी जीरो आ रही है तो टोटल जीरो ही आएगा, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। तो यहां से एल वन, एम वन और एन वन, ये तीनों हमारे क्या आ गए, जीरो आ गए। इसी तरह हम एल टू, एम टू, एन टू निकालेंगे, एम टू और एन टू के कैप, दिस विल इक्वल टू किसके आएगा, अब यहां पे आई जे के। अब इस वाले फोर्स का स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या है, जीरो ए ए, दैट इज यहां पे रखना जीरो ए ए, और x2 y2 z2, x2 y2 z2 हमारे आए थे p by root 2 minus p by root 2 और 0। वीडियो एक बार बैक करके देख लेना, हमारे x2 y2 z2 वहां पे लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप इनको निकाल लो, यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे फोन की चिप भरने वाली, अभी फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं।
तो हमारी का वैल्यू ये आएंगी ए पी बाय रूट टू के साथ आई कैप माइनस जे माइनस ए पी बाय रूट टू जे कैप और फिर प्लस के कैप के साथ माइनस ए पी बाय रूट टू। तो ये हमारा आ गया एल टू, ये एम टू है और ये एन टू है। ये माइनस इसके साथ प्लीज मर्ज कर लेना, गलती नहीं करनी है, इस माइनस को अंदर ले जाओ प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एल टू एम टू और एन टू आ गया। जिस तरह से हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकाले हैं उसी तरह से हम एल निकाल लेंगे, समीशन ऑफ एल आर, दैट इज दोनों एल की समीशन ऐड करना है। तो ये हमारा एल वन था, ये हमारा एल टू है, इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करना है और फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारी एल की वैल्यू ये आएगी ए पी बाय रूट टू, एम की वैल्यू ये आएगी ए पी बाय रूट टू और एन की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए पी बाय रूट टू। ये हमारे आ गए हैं एल एम एन, एल एम एन आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। अब जो हमारी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन थी उसके अंदर हमने इन वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, अब तो कुछ नहीं करना आपने। एक तो पहले आप कपल निकाल लो, कपल निकालने का फॉर्मूला क्या था, के आर इज इक्वल टू, वैसे तो के आर कोस थीटा होता ना, कोस थीटा इज इक्वल टू एल एक्स एम वाई और एम जेड, लेकिन क्योंकि यहाँ पे के और आर की एक्सिस सेम है, दैट इज जो थीटा है हमारा वो जीरो डिग्री है और कोस जीरो वन होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए उसने थीटा नहीं लिखा, क्योंकि हम सेंट्रल एक्सिस ही तो निकाल रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों सेम ही एक्सिस पे है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास एल बी है, एम बी है, एन एल एम एन सब कुछ है, एक्स वाई जेड भी है, यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना रूट टू पी और ए पी बाय रूट टू, तो यहां से ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, तो ये हमारा आ गया ए पी स्क्वायर और फिर अगले वाला प्लस, अब इसकी इससे करोगे जीरो और इसकी इससे करोगे जीरो, तो के आर की वैल्यू ये आ गई ए पी स्क्वायर। तो हमें तो के निकालना है, आर हमारा पहले निकल चुका था, अब आर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी ना पीछे, यही आई थी रूट टू पी, तो यहां से हमारा आंसर आ गया ए बाय रूट टू पी। तो ये कपल निकलना। अब हमें सिर्फ एक चीज और दिखानी है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो हमारी ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू में से पास होकर जाएगी, तो सेंट्रल एक्सिस वाले में ये वैल्यूज पुट करनी है, ये काम हो रहेगा। ठीक है, आई नो थोड़ा जल्दी चल रहे हम, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। चलो, अब सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन जो हमने अभी लिखी थी निकाली थी वही लिखेंगे हम, एल माइनस वाई जेड प्लस स्मॉल जेड y by x प्लस फिर m माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड, ये स्मॉल z है, y y दिस विल इक्वल टू n माइनस एक्स वाई प्लस y कैपिटल x by z। तो हमारे पास देखो l m n और x y z इन सब की वैल्यूज हैं, हम यहाँ पे बिंदास पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास ना लास्ट में ये आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया अब तो अपना, माइनस का ए बाय रूट टू वाई रूट टू बाय जीरो। तो यहां से आपकी जेड की वैल्यू भी कितनी आएगी सॉल्व कर सकते हैं, जेड की वैल्यू ए बाय टू, वाई की भी आ जाएगी, इसको इससे कंपेयर करो a by 2 और by symmetry x is equal to a by 2। तो यहां से हमने ये भी दिखा दिया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेरे को पता है कि क्वेश्चन काफी लंबा है लेकिन सब में ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। बस एक बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देख लेना और फिर भी कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।